पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी साने के बाद होने वाली नफसियाती बीमारी, इसे PSTD भी कहा जाता है। PSTD एक नफसियाती मर्ज है जो ऐसे अफराद में होता है जो दहशतगर्दी, खतरनाक एक्सीडेंट या फिर मौत और ज़िस्त के तजर्बे से गुजरे हुए होते हैं या इसका बहुत करीब से मुशाहिदा किया होता है, जिसकी वजह से इन अफराद में नाउम्मीदी, डर, खौफ और शदीद घबराहट की कैफियत पैदा हो जाती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की वजूहात, तजर्बात और मुशाहदात की रोशनी में जंग, खाना जंगी, फसादात या सकूत, आबरू रेजी, घरेलू तशद्दुद, जिंसी तशद्दुद, अगवा, बच्चों पर तशद्दुद, ज़बानी तशद्दुद, गालम गलूच, जान से मारने की धमकी, दहशतगर्दी, ईज़ा रसानी, गाड़ियों का एक्सीडेंट होना या देखना, हवाई जहाज़ का एक्सीडेंट होना या देखना, आग लगना और भयानक मनाजिर का देखना, जलजला, तूफान, सैलाब के मसाइब से गुजरना, जानवर का हमला आवर और इसकी दहशत होना, पिस्तौल या तेज़धार आला कनपटी पर रखे जाने के तजर्बे से गुजरना शामिल है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की अलामत, गुजरे हुए हादसे के मुतालिक ख्यालात का बार बार आना या आंखों के आगे पुरतशद्दत मंजर का घूमना या फिर हादसे से मुतालिक डरावने ख्वाब आना शामिल है। बाद औकात हादसे से मिलती जुलती कैफियत देख कर PTSD का दौरा पड़ता है। ऐसे में दिल की धड़कन का तेज हो जाना और पसीने छूट जाना, एकदम जिस्म का सुन पड़ जाना, बेख्वाबी और पुरसुकून नींद का ना होना, झुंझलाट होना, गुस्सा आना, हादसे से मुतालिक चीज़ों के बारे में बात करना और उनको नज़रअंदाज करना शामिल है। इसके अलावा ख्यालात का मुंतशिर होना, तवज्जो के इर्तकाज में कमी, भूल जाना या नस्यान का होना, सदमे या शौक की सूरत में हर वक्त अपने आप को बचाने की कोशिश करना, रोज़मर्रा के काम में मुश्किल पेश आना, समाजी ज़िंदगी में मुश्किलात पेश आना, अपने अहलो अयाल की देखभाल के काबिल न रहना, ये तमाम अलामात अमूमन हादसे के 3 माह के अंदर होती हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हर उम्र के अफराद में हो सकता है, बच्चे भी इससे महफूज नहीं होते हैं। मर्दों के मुकाबले में औरतों में इसके दुगना इम्कानात होते हैं। PTSD के मरीजों में अक्सर डिप्रेशन या दीगर नफसियाती अमराज भी साथ साथ हो सकते हैं। फौजी, पुलिस ऑफिसर और आग बुझाने से मुतालिक ताल्लुक रखने वाले अफराद ख़ास तौर पर इसका ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। PTSD में मुबतला शख्स में खुदकशी करने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या PTSD में मुबतला है
तो फौरन डॉक्टर या साइकोथेरापिस्ट से रابطہ करें ताकि मर्ज की तशखीस और इलाज बर वक्त हो सके।